मेंबर्स काफी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हैं और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि बीटीएस ने पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि अपनी मेहनत से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली बीटीएस की इस सक्सेस से जलने वाले लोगों ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी, जिसकी वजह से वी को इन सबका रिजल्ट झेलना पड़ रहा है। और हमारे बीटीएस के मेंबर वी के खिलाफ काफी सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उनके न्यू एल्बम को फ्लॉप किया जाए, और इस प्लानिंग में सबसे ज्यादा बड़ा नाम आया है ब्लिंक्स का। लेकिन आखिर ब्लिंक्स ने ऐसा क्या कर दिया है वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बीटीएस की आर्मीज और ब्लैकपिंक की ब्लिंक्स के बीच में हमेशा से ही फैन वॉर तो चलती ही रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार ये फैन वॉर कुछ अलग ही लेवल तक चली गई है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे बीटीएस के मेंबर वी को भी हो रहा है। तो रिसेंटली वी की न्यू एल्बम आने वाली थी और बीटीएस की सक्सेस को रोकने के लिए काफी सारे टॉक्सिक फैंस ने ये प्लानिंग करी कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे वो वी की एल्बम को आगे ना बढ़ने दे और बीटीएस के मेंबर्स ब्लैकपिंक से आगे ना जा पाए, क्योंकि बहुत सारे बीटीएस के मेंबर्स ने अपनी सोलो एल्बम से ब्लैकपिंक के रिकॉर्ड्स तोड़े और उनको पीछे कर दिया। और रिसेंटली इसी वजह से ब्लिंक्स ने एक न्यू कैंपेन चलाई जिसका नाम है ब्रेक ले ओवर, जहां पर वो ट्विटर पर ट्वीट करके काफी सारी चीजों को ट्रेंड कर रहे थे और बाकी सारे लोगों को प्रॉपर रूल्स बता रहे थे कि किस तरीके से वी की एल्बम को दबाया जा सकता है। ट्विटर पर ऐसे काफी सारी ट्वीट्स देखने को मिली जहां पर प्लानिंग चल रही थी बकायदा कि किस तरीके से क्या क्या करके बीटीएस के मेंबर वी की एल्बम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने ये ठान रखा था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे यूट्यूब वी की वीडियोस को रिकमेंड ना करे, जैसे कि वी के गाने को मास रिपोर्ट करना ताकि यूट्यूब को ये लगे कि वी के गाने में कुछ तो बुरा है और वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। यही नहीं बल्कि गाने को ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करना ताकि उसकी रीच कम हो जाए, और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में ब्लिंक्स ने ऑनलाइन ट्विटर पर डिस्कस किया था, जिसकी वजह से हमारे वी के गाने पर बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और पूरा एक दिन होने के बाद भी वो गाना अभी सिर्फ 10 मिलियन व्यूज ही ला पाया है, जबकि हमारे वी ये हिट डिजर्व ही नहीं करते। ऐसे टॉक्सिक फैंस जो दूसरे केपॉप आइडल्स के रिकॉर्ड्स को बचाने के चक्कर में अपने आइडल्स को प्रमोट करते हैं, वो बहुत ही गलत है। और ऐसे में बीटीएस के मेंबर्स जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है, तो हम सभी आर्मीज को भी साथ में आना चाहिए और वी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम उनकी एल्बम को खुल के प्रमोट कर सकें। यही नहीं बल्कि ऐसे टॉक्सिक फैंस जिन्होंने ऐसी कैंपेन चलाई है, इनके ही अकाउंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे किसी भी केपॉप आइडल के साथ ऐसी बेकार चीजें ना कर सकें। आर्मीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आप वी को फुल सपोर्ट करोगे या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।